वेलकम टू मनीष क्रू। आज 24 जनवरी, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में जयपुर साहित्य महोत्सव शुरू हो गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 500 वक्ता भाग ले रहे हैं, यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो जो जयपुर साहित्य महोत्सव जो है ये शुरू किया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 तक की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपये की कुल लागत पर नए NIT के स्थायी परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है 4371.91 करोड़ रुपए की कुल लागत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 123वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में निम्नलिखित देश के साथ मंत्रिमंडल ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन में प्रवेश की स्वीकृति दी है? तो स्वीकृति दी है ट्यूनिशिया और पापुआ न्यूगिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 प्रस्तुत किया, निम्न में से किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं नवाचार, विद्वतापूर्ण उपलब्धियों और समाज सेवा में, यानी इसका करेक्ट आंसर है आल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2020 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे? तो इसमें इस बार लेंगे भाग 16 प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजर के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से भारत द्वारा अफ्रीका में स्थापित पहले कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, नाइजर के राष्ट्रपति कौन है? तो नाइजर के राष्ट्रपति हैं महामदो इसोफू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में फुटबॉल विश्व कप से पहले फीफा ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से जारी की गई विरासत योजना रणनीति प्रकाशित की थी? तो ये प्रकाशित की थी कतर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में 18वें जिब्राल्टर चेस फेस्टिवल में मास्टर्स श्रेणी के शुरुआती दौर का विजेता कौन है? तो ये विजेता है PV नरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो MP के खिलाड़ियों ने 46 पदक जो है ये प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में किस राज्य में 2 दिवसीय ओडिशा महोत्सव शुरू हुआ? तो ये महोत्सव शुरू हुआ गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने खुलासा किया कि केंद्र जल्दी निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए एक व्यापक औद्योगिक नीति की घोषणा करेगा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो ये हैं सोम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCEA ने किस राज्य में हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड HFL के संयंत्र और इकाई के संचालन और कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में वार्षिक वन्यजीव जनगणना शुरू हुई? तो ये जनगणना शुरू हुई है कालकाडू मुन्नथुनराई बाघ अभयारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है? तो ये है झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सूद जिनका जनवरी 2020 में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के लिए सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है प्रिया प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में मेट्रो रेल यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से किसने रेड बस कारपूल सेवा शुरू की? तो ये सेवा शुरू की हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश UP पुलिस को भीड़ प्रबंधन और प्रभावी संचार पर प्रशिक्षण देगा? तो ये प्रशिक्षण देगा IIM इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ 107 वर्षीय रूपी को कोऑपरेटिव बैंक का विलय निर्धारित है? तो ये विलय निर्धारित है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में लुलु मनी के साथ रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है? तो ये प्रवेश किया है मनीग्राम इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? इसमें भारत का रैंक है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन ग्रिड और शहर गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अगले 5 वर्षों में 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहा है? ये बना रहा है GAIL यानी गेल इंडिया लिमिटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर धन हस्तांतरण शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसने वेस्टर्न यूनियन के साथ भागीदारी की है? तो भागीदारी की है भारतीय एयरटेल ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड।